are you all doing? I hope you all are good, and let's start this vlog without further any delay. If you are new on my channel, please subscribe it. If you like the video, please hit the like button. Share to your loved ones and comment zarur karte rahna. Be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. अभी बज रहे थे 7:52 AM और आज मैं अपना कर रही थी फिजिक्स का रिवीजन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का। तो यहाँ पे मैंने पहले ही नोट्स बना के रख लिए थे। अगर आप मेरे पहले के स्टडी ब्लॉग्स देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने वाला चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और वो मैंने PW से ही करे थे। और अब मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ उस चैप्टर का, और आज मेरा रिवीजन आधा ही हो पाया है क्योंकि रिवीजन में ना हमें सारी चीज़ें रिकॉल करके लिखनी होती है खुद से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव रिकॉल। तो आज यार मुझे पहली बार ना सुबह का मॉर्निंग शॉट बहुत ही एकदम प्रोडक्टिव और बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा अपने आप को, रियलाइज़ करा कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ पाई आज एज कम्पेयर टू ऑल द डेज विच आई हैव स्टडीड प्रीवियसली। तो जिन्हें नहीं पता है कि मैं कौन से बोर्ड की हूँ, तो मैं हूँ CBSE बोर्ड की। मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि मैं कौन से बोर्ड की हूँ, तो फाइनली आज मैंने आपको बता दिया कि मैं हूँ CBSE बोर्ड की। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि UP बोर्ड वाले बच्चों के लिए PW है कि नहीं। देखो स्पेसिफिक मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने 9th में PW से ही पढ़ा था, नीव 2.0 बैच से। तो जहाँ तक मुझे पता है, तुम एक बार PW की ऐप को प्लीज़ विजिट करो, वहाँ पे तुम्हें सब देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी बैचेज हैं, कौन कौन सी क्लासेस के लिए और कैसे कैसे बोर्ड हैं। ऑब्वियसली CBSE बोर्ड तो है। अब मेरे को UP बोर्ड का पता नहीं है, तो मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया यार कि आज का स्टडी स्लॉट जो मैंने मॉर्निंग में रखा था, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव प्लस पॉजिटिव, और इतनी ज़्यादा एनर्जी आई डोंट नो कहाँ से आ रही थी, बट इतना ज़्यादा अच्छा गया मेरा इस सुबह का स्लॉट। और फिर इसमें मैं खुद ही को पढ़ा रही थी, और जो मेरे नोट्स हैं मैं उसे रीराइट कर रही थी और खुद से क्वेश्चन पूछ रही थी, जिससे ना मेरे दिमाग में भी जल्दी जल्दी बैठ रहा था। और मुझे लग रहा था मुझे ऐसी जैसे मैं आज पढ़ रही थी मुझे ऐसे ही पढ़ना चाहिए, और मैं रोज़ स्टडी स्लॉट मॉर्निंग में रखना प्रेफर करूँगी, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी। और शायद अब रोज़ मैं स्टडीज़ और वैसे मैं रखती हूँ सुबह, ऐसा नहीं है, बट वो ज़्यादा ही लेट हो जाता है, तब 8-9 बज जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू 7 AM और 7:52, 7:25। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरे मैथ्स के कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं या सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ऐसे ही आया था। और एकदम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, और ये ऑब्वियसली बात है यार, तुम्हारी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तुम पूछो। मैं गेस कर रही हूँ कि इसीलिए आ रहे होंगे ये कमेंट, क्योंकि मेरा मैथ्स में मैं कर रही थी स्टैटिस्टिक चैप्टर, और तुम सबको लग रहा होगा कि जो स्टैटिस्टिक से पहले चैप्टर है वो मैंने सब कर लिए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा यार। चैप्टर 1, 2, 3 हाँ मैंने कर लिए हैं, क्योंकि वो स्कूल में भी करा दी ऑब्वियसली, और शायद तुमने भी कर ली होंगी क्योंकि ये सबके स्कूल में चलते ही हैं। मतलब 1st, 2nd, 3rd चैप्टर तो अभी तक हो ही गया होगा सबके स्कूल में। और मैं स्टैटिस्टिक चैप्टर इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे PT1 में स्टैटिस्टिक चैप्टर आ गया है, और वो हमारे स्कूल में भी पढ़ा दिया, तो फॉर रिविजन आई वॉज डूइंग दैट चैप्टर। और ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत कमेंट्स आए थे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत पीछे चैप्टर दे रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी PT1 के बाद हमारा स्टार्ट करवा दिया है, और मुझे नहीं पता क्यों, और मुझे लग रहा है कि ये मिड टर्म में आने वाला है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया है, इसलिए आई वॉज डूइंग ट्रिग्नोमेट्री मैनी टाइम्स।
फिजिक्स का इतने अच्छे से और इतना ज़्यादा रिविजन करने के बाद मैंने सोचा यार वैकेशन हॉलीडे होमवर्क को भी ध्यान में रखते हैं और आई हैव टू कम्प्लीट माई SST प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि मैंने कल ही स्टार्ट करी थी और मुझे लग रहा था आई हैव टू कम्प्लीट इट टुडे ओनली। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपने इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर राइट वाला चैप्टर खाली ऐसी एक बार देखा है या अगर नई नई बुक आई होगी कभी एक बार पेज पलटे होंगे तो उसमें आपको 3 केस स्टडी दिखी होगी। मेरे को भी नहीं पता था ये चैप्टर, मेरे को लगा खाली ऐसी एक टॉपिक दे रखा है क्योंकि कंज्यूमर राइट शायद चैप्टर हट गया है या अगर नहीं हटा है तो अभी हमें पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने बुक में देखा तो तब मुझे पता चला कि 3 केस स्टडी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसे भी लिख देते हैं और वो जो जिससे मैं लिख रही थी उसमें भी दे रखा था। तो फिर उसके बाद मैंने बुक खोली और देखा कि केस स्टडी 3 दे रखी हैं, तो फिर मेरे को लगा कि आई हैव टू डू इट सम लाइक क्रिएटिव प्लस सिंपल, क्योंकि इतनी ज़्यादा केस स्टडी में ना इतना ओवर बॉर्डर या डिज़ाइन करना इज़ नॉट गुड। तो फिर मेरे हिसाब से मैंने एक लाइंड एक जो शीट्स आती हैं उसको मैंने कट करा, कलर्ड लाइन शीट आती हैं जो उसे मैंने कट करा और एक प्लेन शीट से जो उससे मैच करता हुआ लाइट या डार्क कलर जो भी था वो मैंने उसके बैकग्राउंड में लगा दिया और सिंपली मैंने लिख दिया और जो भी फ़ोटो के लिए जगह थी वो छोड़ दी। और यहाँ पर मेरा सेकेंड डिज़ाइन बहुत बहुत इजी प्लस सिंपल था। पहले तो मुझे लग रहा था मुझे नीचे ऊपर अलग अलग लाइक कट करना पड़ेगा, बट एट द एंड मैंने देखा खाली मेरे को एक जैसे ये ना डिज़ाइन कुछ अलग सा ही था। एक बार तुम भी ट्राई करो यार, बहुत अच्छा है ये डिज़ाइन। तुम कोई भी कलर्स में ट्राई कर सकते हो पर लाइक मैंने चूज़ करा ग्रीन, क्योंकि ना पिंक कुछ ज़्यादा ही फाइल में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश की मेरी प्रोजेक्ट फाइल में ना कुछ ज़्यादा ही पिंक हो गया था तो आई वाज लाइक रिग्रेटिंग आफ्टरवर्ड्स। बट मैंने इस फाइल में ज़्यादा पिंक नहीं रखा, एक दो पेजेस ही मेरे पिंक कलर्ड शीट्स हैं और इसमें मैंने ग्रीन रखा है जो ये डिज़ाइन है। और एक बार यार प्लीज़ तुम ट्राई करो। तो ये दूसरा डिज़ाइन था जो मैं बना रही थी, एक बार यार तुम भी देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ और एक बार प्लीज़ कोशिश करना, क्योंकि बहुत इजी प्लस सिंपल और बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं जो पिंटरेस्ट पे मुझे मिले आज और मैंने जो बनाए। तो प्लीज़ ट्राई करो और मुझे भी बताना तुम्हें कैसे लगे और तुम्हारा लाइक कैसे बने हैं पूरे डिज़ाइन। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रखा है, बट हाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो लाइक शॉर्ट करी है, क्लिप थोड़ी थोड़ी ऐड करी है, बट उसमें सारे स्टेप दिख रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करो। एंड दिस वॉज द मोस्ट सिंपल प्लस ब्यूटिफुल डिज़ाइन जो मुझे आज का बहुत बहुत अच्छा लगा। देखो और डिज़ाइन तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी, इसमें कुछ भी नहीं था, लाइक लिटरली फ्लावर्स बनाने हैं दोनों साइड में और इतना सिंपल प्लस इतना ब्यूटीफुल प्लस क्यूट, मैं क्या बोलूँ, इसकी तारीफ करना इज़ वेरी वेरी कम। तो अब मैं दोबारा बैठ गई थी मैथ्स पढ़ने के लिए और लाइक मेरे को लग रहा था कि आज मेरा वैकेशन हॉलीडे होमवर्क SST का कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, बट यार इतनी देर से मैं लगी हूँ और फिर भी मेरे एक दो पन्ने रह गए और मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि अब मैं और करूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा था वो अब काम करने का, तो मैंने फिर प्रोजेक्ट फाइल को साइड में रखा और कहा कि अब कल ही करेंगे। तो फिर मैं दोबारा बैठ गई मैथ्स को लेकर। So this was the end of vlog. If you like the vlog, please hit the like button. If you are new on my channel, please subscribe it. Share to your loved ones or comment. जरूर करते रह करो. तब तक के लिए take care and bye bye.